हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल इन टोडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर मेकअ लगा हुआ है बिकॉज मैंने अभी अभी एक वीडियो फिल्म की थी मेरे हाथ पे स्वाचेस भी देख सकते हैं आप अब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगी मैं मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ और मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स रात के टाइम पर यूज़ करती हूँ सो लेट्स को सबसे पहले मैं मेरे बालों को टाई कर लेती हूँ उसके बाद मैं सबसे पहला स्टेप करती हूँ डबल क्लेंसिंग जिसके लिए मैं इन दोनों ऑप्शन के बीच अल्टरनेट करती रहती हूँ जिन दिनों मेरी स्किन बहुत मिसबिहेव करी होती है इरीटेटेड या फिर प्रोन फील करती है तब मैं यूज़ करती हूँ सुगंधा का क्लेंगे ऑयल विच इज़ कॉल इन बेस्ड एंड ऑन मोस्ट ऑफ द अदर डेज आई यूज दिस इनस फ्री सुपर वॉलैनिक पोर क्लेंगे ऑयल ये काफी अच्छा लगता है मुझे मेरे पाम्स के बीच में मैं इसे अच्छे से वार्म अप कर लेती हूँ और फिर एक से डेढ़ मिनट के लिए अपने पूरे जो फेस का बेस मेकअप होता है लिप्स होते हैं उसको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ तो मेकअप बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है अभी इस टाइम पर मैं मेरे आई मेकअप को आप देख सकते हैं टच भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेकअप जब डिजोल्व होना शुरू होता है ना तो उसकी कोई ना कोई पार्टिकल्स आंख में चले जाते हैं और फिर बहुत इरीटेशन लग जाती है आई स्टिंग होने लग जाती हैं तो इसलिए मैं अभी वो नहीं करती हूँ पहले मैं इसको अपने चेहरे पर दो मिनट के लिए छोड़ देती हूँ उसके बाद फेस वॉश करने से जस्ट कुछ सेकेंड्स पहले मैं दो ड्रॉप्स एक्स्ट्रा लेके फिर अपनी आइज़ का मेकअप रिमूव करती हूँ तो मेरा यूजअली अगर आई है या काजल है तो बहुत ईजिली कम ऑफ हो जाता है फिर आई के लिए और मस्कारा के लिए मैं पर्पजली एक ये जो डाउनवर्ड मोशन आप देख सकते हैं ये फॉलो करती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सर्कुलर मोशन में नहीं कर रही हूँ बिकॉज फिर आईज में मेकअप चला जाएगा आइज स्टिंग होने लगेंगी तो इसलिए मैं इस तरह नीचे की तरफ अपनी आ, फिंगर्स के हेल्प से इस मेकअप को पुश डाउन करती हूँ तो इससे मेरी आइज इरीटेट नहीं होती उसके बाद मैं अपनी पसंद के किसी भी बैरियर बूस्टिंग या बैरियर फ्रेंडली कह लीजिए फेस वॉश से फेस वॉश कर लेती हूँ आई एम डन यू काइज कैन सी फ्रॉम माई शर्ट उसके बाद अगर मुझे केमिकली एक्सफोलियट करना होता है तो मैं इन दोनों ऑप्शन में से कोई यूज करती हूँ या तो डोमाको का फिफ्टीन परसेंट ए एच ए बी एच ए पील या तो फिर डॉक्टर शेड्स का लिक्रिस एंड लैक्टिक एसिड पील आज मैं केमिकली एक्सफोलियट नहीं कर रही हूँ तो सेरम्स के लिए जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मैं इन दोनों के बीच यूज़ करती हूँ हफ्ते में दो से तीन दिन मैं लगाती हूँ रेटेनॉल और बाकी तीन से चार दिन में लगाती हूँ मल्टीपेप्टाइड सेम रेटेनॉ के लिए आजकल मैं ये केमिस्ट एक्ट्लेक्ट्री वाला ट्राई करे हूं लेकिन मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है तो दो से तीन दिन मैं वो रेटिनॉल लगाती और बचे हुए तीन से चार दिन मैं ये मिनिमलिस्ट का मल्टीपेप्टाइड सीरम लगाती तो इससे क्या होता है कि रेटिनॉल से होने वाली कोई भी अगर इरीटेशन है या रेडनेस है तो उसको थोड़ा सा आपकी स्किन को काम डाउन करने में मल्टीपेप्टाइड्स हेल्प करते हैं अगर आप अपने थर्टीज और फोर्टीज में है तो आपको भी रात का सेरम्स का ऐसा ही रूटीन एक रखना चाहिए कि जिसमें आप रेटेल्स यूज करें हैं अल्टरनेट डेज और बचे हुए दिनों पर आप मल्टीपेप्टाइड्स या मल्टीपेप्टलाजन बेस्ड सेरम्स यूज़ करे हैं ये होने के बाद मैं लिप बाम के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग हाफ ऑफ द टाइम्स वैसलिन लगाती हूँ और कभी भी कोई भी लिप बाम मैं लगा लेती हूँ एज लॉन्ग एज उसमें कोई टिंट नहीं है एसपीएफ नहीं है बहुत एनरिचिंग सा लिप बाम होना चाहिए जो क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जैसे अभी मैं वर्थ का लगा रही हूँ जो कि वेलेना वेनेला बेस में है और बहुत कम्फर्टेबल है लास्ट स्टेप के लिए मैं कोई भी बैरियर बूस्टिंग आ, क्रीम लगाती हूँ तो अभी इन दिनों मुझे पसंद आई हुई है ये फॉक्सटेल वाली इसके बारे में मैंने डिटेल में बात भी करी थी मेरी जो एक बैरियर बूस्टिंग क्रीम्स वाली वीडियो अभी लास्ट टू वीक्स में मैंने डाली है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में मैंने इस क्रीम के बारे में बात करी हुई है काफ़ी अच्छी क्रीम है ये फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरा अंडर है स्किन um, केयर रूटीन इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है मैं हमेशा कोई आई सिरम या क्रीम या ट्रीटमेंट नहीं लगाती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ जब मैं जल्दी में होती हूँ या मुझे नहीं करना होता तो दो ड्रॉप्स इसी क्रीम की लेके किसी भी बैरियर बूस्टिंग क्रीम की दो ड्रॉप्स लेके उसी को अपनी जो आइज़ के पास जहाँ आपके फाइन लाइन्स बन सकते हैं या लाइफ लाफ लाइन्स आ सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लगा लेती हूँ एन एम काइंड ऑफ टन So this was my very simple and easy to do nighttime skincare routine bhi many products usekaraonke links my description mein de dungi I hope you enjoyed watching this video. if you did and you're new to my channel then please hit the like button and also the subscribe button. That's it for today's video guys and I'm gonna see you very soon in my next one until then take good care of yourselves I love you all and stay beautiful.